रोज होता है बिग बॉस के घर में बड़ा घमासान और आज के एपिसोड में तो तहलका मच गया। यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर में ऑफ कोर्स आज का जो दिन था वो फुल ऑन फायर था, बिकॉज घर के राम लक्ष्मण जो है वो अलग हो चुके हैं। सो सबसे पहला हाईलाइट, यानी दिन के पांच बड़े हाईलाइट्स में से सबसे पहला हाईलाइट यही था कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की लड़ाई हो जाती है। जी हाँ, सिद्धार्थ और आसिम एक दूसरे से बेहद खफा हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से टास्क दिया गया था राक्षस टास्क में, एक तरीके से पूरी सिद्धार्थ की तरफ से जो टीम थी सबने एक तरह से गिव अप कर दिया और सब कुछ आसिम के ऊपर आ गया, जो कि मुझे भी गलत लगा। ऐसे में आसिम का रिएक्ट करना जायज था, लेकिन सिद्धार्थ और उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, जहाँ पर वो कहते नजर आए कि अगर तू गलत है तो तुझे सुनना पड़ेगा, और बहुत सारी पुरानी टास्क की चीज़ें भी उन्होंने निकाली, जो कि सिद्धार्थ को बाद में रियलाइज हुआ कि इन्होंने अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी थी। वेल, अब इनकी दोस्ती जो है वो कहाँ तक जाएगी ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ये फिजिकल फाइट तक भी पहुँच गई। जी हाँ, एक दूसरे को हाथ लगाना, धक्का देना, इस तरह की तमाम चीज़ें करते हुए नजर आए ये दो राम लक्ष्मण। जी हाँ, सेकेंड हाईलाइट, वेल शो का सेकेंड हाईलाइट था कि आरती का ब्रेकआउट। जी हाँ, आरती यूजली ज़्यादा रोते हुए नजर नहीं आती हैं, लेकिन एक तरीके से पूरे घर में जिस तरह का माहौल हो रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला भी कहीं ना कहीं किसी की बात सुनते नहीं हैं। ये बात आसिम ने बिल्कुल सही कही कि वो अगर गलत है तो वो इस चीज़ को सुनना पसंद नहीं करते, और यही चीज़ गलत कर रही है उन्हें कहीं ना कहीं, जो कि आरती भी कहती हुई नजर आई, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो आरती को हर बार बोलते वक्त चुप करा देते हैं कि तुम गलत बोल रही हो, तुम बकवास बोल रही हो, विच अकॉर्डिंग टू मी डजेंट मेक सेंस एट ऑल। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और जिस वजह से आरती जो है वो ब्रेकआउट करती हुई नजर आई, वो काफ़ी हद तक रोई। देवोलीना और रश्मि ने उन्हें शांत कराया। नंबर थ्री, थर्ड हाईलाइट था पूरे शो का, बिग बॉस का सजा देना। बिग बॉस खफा हो गए। जी हाँ, बिग बॉस खफा इसलिए हो गए बिकॉज सभी घर के कंटेस्टेंट्स, यानी कि ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स, यानी कि विशाल, देवोलीना, सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, मायरा, रश्मि, अरहान, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स रादर सोते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, यानी कि बिग बॉस ने ये कहा, हिंदुस्तानी भाऊ यानी कि बिग बॉस ने ऐसा कहा कि जिन कंटेस्टेंट्स को हमने दावेदार बनाया है बिग बॉस के नेक्स्ट कैप्टन का, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोग सब सो रहे हैं। तो कुछ इस तरह का गुस्सा था बिग बॉस को, और बिग बॉस ने सीधा पनिशमेंट दी कि सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं, यानी कि जो भी नॉमिनेट हुए थे दावेदारी के लिए, खड़े हुए थे कैप्टनसी के, बिग बॉस ने सबको खारिज कर दिया। जी हाँ, सारे कंटेस्टेंट्स को खारिज कर दिया गया कैप्टनसी की दावेदारी से, और ये भी घोषित कर दिया गया कि इस हफ्ते घर का कैप्टन कोई नहीं रहेगा। यस, यानी कि नो कैप्टन दिस वीक। फोर्थ हाईलाइट, पूरे शो का फोर्थ हाईलाइट था रश्मि और शिफाली की लड़ाई, वो भी दही को लेकर। दही ने तो रायता फैला दिया। जी हाँ, दही ने ऐसा रायता फैलाया कि वो लड़ाई थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि रश्मि और शिफाली लड़ रहे हैं क्योंकि कैप्टन रूम में जो छोटा सा मिनी फ्रिज रखा गया है वहाँ पर दही रखा हुआ था, और किसी ने किसी का दही चुरा लिया, जिसके वजह से रायता फैल गया और रश्मि और शिफाली के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, जिस पर रश्मि जो है इतनी अग्रेसिव हो गई कि वो भाऊ और अरहान बैठकर बात करते वहाँ पर आकर अब्यूजिव हो गई ज़रा सी, जहाँ पर भाऊ ने ये कहा कि आपको शोभा नहीं देता, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उन्हें, यानी कि रश्मि को अरहान ने कहा कि आप बेवकूफ़ लग रही थी जब आप इस तरह की बातें कर रही थी, तो कुछ ऐसा माहौल हो गया। फिफ्थ हाईलाइट था पूरे शो का डेफिनेटली लग्जरी बजट टास्क का आना। जी हाँ, घर में आया नया लग्जरी बजट टास्क, और उस टास्क का नाम था घर बनाना टाइप्स टास्क, जहाँ पर दो टीम्स डिवाइड हो गई हैं। एक टीम में एक टीम को घर बनाना है और दूसरी टीम को भी अपना अलग घर बनाना है, पेंट से घर बनाना है, पेपर्स चिपकाते हुए घर बनाना है। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स सिंपल तरीके से कोई टास्क हो नहीं सकता, और ये चीज़ हम प्लानिंग करते देखते हैं आसिम और सना को। जी हाँ, वो लोग कहते हैं कि हम चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं टास्क में, और सना जाकर जो है वो फाड़ देती हैं पारस और माहिरा जब घर बना रहे होते हैं। अब ये कहाँ तक ट्विस्ट जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आज के पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे लगी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की दोस्ती में ब्रेकआउट आना, एक तरीके से डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट आना। आपका क्या कहना है इस चीज़